श्रीनगर और श्रीनगर का दिल अगर माना जाता है वो लाल चौक घंटाघर है। अभी हम ठीक अब मेरे पीछे देख सकते हैं, अब मौजूद है घंटाघर के सामने। गणतंत्र दिवस का मौका है और सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में हुई है। देखिए आज इतिहास बन चुका है क्योंकि श्रीनगर के क्लॉक टावर घंटाघर पे तिरंगा लहराया गया है। गणतंत्र दिवस का मौका था और श्रीनगर का यह बिजी मार्केट रहता है तो यहाँ पे जितने भी शॉप्स है वो बंद है। और हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल साफ वाजह कर दिया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीनगर का बिजी मार्केट आज सुनसान नज़र आ रहा है। इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है। ये जो तिरंगा लहराया गया है सिक्योरिटी कवर में इसको लहराया गया है क्योंकि श्रीनगर में पूरी सिक्योरिटी तैनात की गई है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स थे लाल चौक घंटाघर के उनको एहतियाती तौर पर सील कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई है। देश को इतनी ऊंचाई पे लाना गर्व की बात होती है। अभी तक 70 सालों से जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट यहाँ पर थे और उतने भी जो नेगेटिव अनासिर थे, सेपरेटिस्ट थे, जब भी यहाँ पर आते थे तो आपको मिलता था पाकिस्तान का फ्लैग। हिस्ट्री हैज़ चेंज्ड। ये हिस्ट्री बनानी बहुत ज़रूरी थी इस नए कश्मीर में। जो लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं इस नए कश्मीर के बारे में, तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये साजिद भाई मेरे साथ में खड़े हैं, हम दिखाना चाहते हैं उनको ये नया कश्मीर है। देख लो, दिस इज नया कश्मीर। देखिए हमारा पहले इसने कहा कि हम इस जन्नत कश्मीर को कभी पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं और आज हमने कर दिखाया। ये पिछले 30 साल में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो इसी लाल चौक में तिरंगा लहराने की कोशिश कर रहे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से हो, एक्टिविस्ट हो या कोई भी लोग हो। उनने कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम हुए। हमने कोशिश की आज ये सोच के कि नहीं, हमें ये करके दिखाना, अगर हम नहीं करेंगे तो कश्मीर में कोई नहीं कर पाएगा। आज हमारा इस वक्त तिरंगा इस वक्त क्लॉक टावर के ऊपर इस वक्त लहरा रहा, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। देखिए वी आर, पहली चीज़ है वी आर नॉट हियर टू प्लीज एनीवन। किसी को बुरा लगे दिस इज देयर प्रॉब्लम, हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है। हमें लगता है कि हमने अच्छा किया, हमें लगता है हमारी खुशी है, हमने वो कर लिया। इस वक्त इट्स नॉट द एक सेक्टर है जिसको ये चीज़ बुरा लगा हो, लेकिन हम 132 करोड़ जो इंडियंस है उसकी खुशी के लिए आज हमने ये तिरंगा लहराया और यहीं पर लहराए गए। ये भी जानना चाहिए, अभी तक अगर देखा जाएगा लाल चौक में पाकिस्तान के नारे जो है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, आज भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं, और अभी तक अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग गूंज किया गया है, तो कैसे देखते हैं इतिहास बदल चुका है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल इतिहास तब बदला था जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जब हुआ, तब मुझे लगता है इतिहास तब स्टार्ट वहाँ से हुआ था। अगर वो स्टार्ट नहीं होता था आज साजिद यूसुफ या साहिल बशीर क्लॉक टावर के ऊपर झंडा नहीं लहराता। वो स्टार्ट तब हुआ था जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ, तब यहाँ पे जगह जगह आपको झंडे लहराने, जगह जगह आपको तिरंगा नज़र आते रहे। लेकिन इस टाइम फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कि आपको तिरंगा हमने लहरा के दिखाया। अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे चैलेंज करते, मैं कल भी बहुत सारे पॉलिटिकल जो यहाँ पे लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स देख रहा था, वो कह रहे थे कि आपको अगर लगता है कि आप गलवान वैली या POJK में फ्लैग लगाने से उससे पहले आप तिरंगा में लहराए। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ हमने लगा लिया।
इसके आगे जो हमारा मिशन होगा हम वो करेंगे। साजिद साहब ये बताया गया कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे तिरंगा लें, इससे पहले भी बहुत थी, लेकिन आप इसमें सफल क्यों रहे? सफल इसलिए क्योंकि हमारी नीयत साफ थी, उनकी नीयत साफ नहीं थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल ड्रामा, जो लोग पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल माइलेज और मीडिया इस चीज़ के पीछे होते हैं कि हमें मीडिया माइलेज नहीं, हम उस चीज़ के पीछे नहीं है। हमने किसी को बोला नहीं था हम क्या करने वाले हैं। आज आपने देखोगे जब से हम आए हैं साइड में खड़े थे, किसी को नहीं पता था। हमने जब करके दिखाया क्योंकि हमारी नीयत सही थी, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं थी। कैमरामैन साहिल मीर के साथ मैं आकिब डार, यंग बाइट, श्रीनगर।